बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़करिया गोट फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक माशाल्लाह प्योर मक्की चीनी ब्रीड। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ए प्लस क्वालिटी की बड़े साइज़ में बकरियाँ माशाल्लाह, हाइट और लेंथ आपके सामने है। दोस्तों, ज़करिया गोट फार्म बावल नगर में वाक़िया है और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो इमरान चौहान साहब और राव बाउद्दीन साहब हैं। दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप एक अच्छी ब्रीड से फार्मिंग करेंगे तो अच्छी ब्रीड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह अच्छी हाइट वाली, अच्छी लेंथ वाले खूबसूरत जानवर। दोस्तों, प्योर मक्की चीनी ब्रीड पाकिस्तान के हर इलाके हर शहर में कामयाब है। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्योर मक्की चीनी ब्रीड से गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको डुअल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के लिए भी और गोश्त के लिए भी। माशाल्लाह, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, ए प्लस क्वालिटी के जानवर। अगर मंडी से आप ब्रीडर बकरा समझ के लेंगे तो वो इन बकरियों जितनी हाइट नहीं होगी उसकी। माशाल्लाह, ये ए प्लस क्वालिटी के जानवर हैं, प्योर ब्रीड है, हाइट लेंथ आपके सामने है, क्वालिटी आपके सामने है। इसलिए हम बार बार अपनी वीडियो में आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप प्योर मक्की चीनी ब्रीड से गोट फार्मिंग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, फार्म के जानवर और मंडी के जानवर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि मंडी के जानवर का कोई भी रिकॉर्ड, कुछ पेडिग्री, कुछ किसी किस्म का प्योरिटी के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि वो प्योर ब्रीड है। जैसा कि किसी फार्म, किसी आजड़ी या किसी चरवाहे के पास आप विज़िट करके चेक करें, आपको ए प्लस क्वालिटी के प्योर जानवर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अभी तक प्योर ब्रीड तो देखी नहीं। प्योर ब्रीड चंद लोगों के पास मौजूद है, वो बावल नगर, बावलपुर और मदरसे वाली साइड पे, वो भी कुछ शौकीन लोग, कुछ फार्मर हजरात जिनके पास ये प्योर ब्रीड मौजूद है। क्योंकि लोगों ने मंडी से बकरा हैज़ा ब्रीडर समझ के परचेज़ किया, क्योंकि इनका कलर तो सेम होता है, जिस वजह से दोस्त ब्रीड को इम्प्रूव नहीं कर सके। हम आपको इस चीज़ के लिए बार बार अपनी वीडियोस में बताते हैं कि जब प्योर ब्रीड होगी तो आने वाली जो प्रोडक्शन है, आने वाले जो बच्चे हैं वो ए प्लस क्वालिटी के होंगे। माशाल्लाह, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ वाले जानवर। दोस्तों, प्योर ब्रीड में आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप प्योर ब्रीड से गोट फार्मिंग स्टार्ट करेंगे तो ना आपका वक्त ज़ाया होगा, ना आपका पैसा ज़ाया होगा और ना आपका शौक ख़त्म होगा, बल्कि दिन ब दिन आपका शौक बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये वीडियो बनाने से आप ज़करिया गोट फार्म से परचेजिंग करें। दोस्तों, ये जानवर नॉट फॉर सेल हैं, ये बात मैं क्लियर करता चलूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में ये कहते हैं जी कि आप वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए बना रहे हैं कि जानवरों की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि ये जानवर सेल हों। नहीं दोस्तों, ये जानवर नॉट फॉर सेल हैं, ये बात क्लियर रख लें। ये शौक है जो आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ, आप शौकीन भाइयों के साथ हर दिन नई से नई वीडियो के ज़रिए शेयर किया जाता है। हमारी ये कोशिश है कि आपको धोखा ना हो, फिर मक्की चीनी नाम के ऊपर आपको मंडी का जानवर न थमा दिया जाए, आपसे पैसे प्योर ब्रीड के लिए जाएं और आपको मंडी वाला जानवर दिया जाए। इसलिए आप बड़े नुकसान से बचने के लिए हमारी वीडियोस देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्योर ब्रीड और मंडी के जानवर में कितना डिफरेंस होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़करिया गोट फार्म की प्योर मक्की चीनी ब्रीड कैसी लगी। इसे कहते हैं खालस मक्की चीनी ब्रीड।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अच्छी आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।